तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्चा के बारे में। कैप्चा कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और काहे होता है वेबसाइट में। तो बेसिकली कैप्चा होता है सेपरेट करने के लिए ह्यूमन और बॉट्स के बॉट्स को। बेसिकली होता है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में जो है ना, जैसे कि आपका कोई सोशल नेटवर्क हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, तो बॉट्स क्या करता है, खुद पर खुद जो है अकाउंट जनरेट करता है, खुद पर खुद मैसेज भेजते रहता है। और भी बहुत सारा चीज़ काम करने के लिए जो है सो बॉट्स को डिजाइन किया जाता है। तो ये बॉट्स जो है सो बॉट्स अपने आप जो है सो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहता है ऑनलाइन। तो उसी को रोकने के लिए कैप्चा बनाया गया है कि उस पेज से आगे न जाने देने के लिए, कि बॉट्स उस पेज से आगे जा ही ना पाए। और इसी के लिए जो है सो कैप्चा डिजाइन किया गया है कि मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ भी, जो कि बॉट्स जवाब नहीं दे पाते हैं। तो पहले बहुत पहले होता था कि क्वेश्चन नॉर्मल जो है सो एक बॉक्स आता था, उसमें लेटर होता था, इमेज होता था, उसमें उसके बाद उसको टाइप करना होता था। तो बेसिकली उसके बाद बॉट्स स्मार्ट हो गया, तो वो जो है सो टाइप करने में सक्षम हो गया। उसके बाद लेटर को वीगल वीगल कर दिया, मतलब करने का मतलब टेढ़ा मेरा कर दिया, काट खुट कर दिया। तो बॉट्स उसके बाद कुछ समय बाद उसको भी ओवरकम करने में सक्षम हो गया। उसके बाद गूगल का एक इमेज वाला कैप्चा आया था कि इमेज सेलेक्ट करना था किसमें कौन सा मार्केट प्लेस है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। तो बेसिकली अब ऐसा बॉट्स आ चुका है जो उसको भी जो है सो मतलब उससे भी जो है सो आगे निकल गया। तो अब आ गया कि मतलब दुविधा वाली बात कि मतलब ऐसा क्या करे कि मतलब जो सबसे जो है सो सिक्योर हो। तो उसके बाद अंत में अभी जो चल रहा है वो है कैप्चा आई एम नॉट अ रोबोट। कहने का मतलब एक डॉट आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, और उससे वो पता कर लेगा कि आप रोबोट है या मशीन है। बेसिकली आपके मॉइस जो कि माउस पॉइंटर जो होता है, आदमी जो है सो ऐसे 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 करके ले जाता है, जबकि बॉट्स होता है ऐसे 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 करके ले जाता है, लेफ्ट राइट अप डाउन करके ले जाता है, जबकि हमारा जो है सो आदमी जो है सो टेढ़ा मेढ़ा करके ले जाता है माउस। तो इससे भी दूसरा कुकीज़ और जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो भी चेक करता है गूगल कि सही है या नहीं, उसी हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मतलब ये सही है या नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ों से जो डिसाइड करता है कि बॉट्स है या फिर ह्यूमन है, रियल ह्यूमन। तो यही अभी करंटली चल रहा है और अभी कुछ समय तक चलता रहेगा, जब तक कि उसको भी उससे भी ज़्यादा आगे ना निकल जाए बॉट्स, उसका भी तोड़ ना निकल जाए। कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटेड ऑटोमेटेड पब्लिक, क्या लिखा हुआ है यार, हाँ, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, पराजीम है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। इसमें ट्यूरिंग का स्पेलिंग है TURING, और बेसिकली टेस्ट होता है डिसाइड करने के लिए वो ह्यूमन है या बॉट्स है, उसी को अलग करने के लिए कैप्चा का यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।